सो ये गाइस गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो में आप लोग के बीच में दोस्तों सीवीडीसी फ्री माइनिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। यहां पर चार से पांच टॉपिक पर बात करने वाला हूं। पहला दोस्तों यहां पर माइनिंग स्टॉप के बारे में बात करने वाला हूं, केवाईसी के बारे में बात करने वाला हूं, लॉकअप के बारे में बात करने वाला हूं एंड विड्रॉल के बारे में। और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है दोस्तों, उसके बारे में आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूं। दोस्तों देखो यहां पर सबसे पहले इनके ट्विटर ऑफिशियल पेज पे हम चले जाते हैं, ट्विटर हैंडल ऑफिशियल पेज पे, ठीक है। यहां पर क्या अपडेट वगैरह है थोड़ा सा उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखो सीबीडीसी नेटवर्क, ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे 39.6 के यहां पर आपको फॉलोअर से देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों एक दिन पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, ऑन मई 31 लॉकअप टोकन एंट्री। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को मोटी मोटा भाषा में बता देने वाला हूं। दोस्तों देखो 31 मई से पहले पहले दोस्तों आप लॉकअप में अपने टोकन को डालना पड़ेगा, अदरवाइज 31 मई से पहले पहले आप लोग अपने टोकन को लॉकअप में नहीं डालोगे तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपके साथ एक भी टोकन विड्रॉल नहीं होने वाला है, ठीक ना। मेरी बात को ध्यान से समझ लो भैया, ठीक ना। उनका पर्सनल किनका टोकन विड्रॉल होगा, किसका टोकन नहीं विड्रॉल होगा, उसके बारे में आपको अभी यहीं पर डिसाइड क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। जो बंदा 31 मई से पहले पहले भैया तो अपने टोकन को यानी अपने जितने भी टोकन है दोस्तों उसको लॉकअप में डालना पड़ेगा। लॉकअप में किस तरीके से डालना उसके ऊपर मैंने कल की डेट में वीडियो बना दी है और आज के भी डेट में वीडियो बना दूंगा। कल का डेट का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में डिटेल तरीके से पूरा वीडियो बनाया हूं। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो भैया जाके तुरंत आप वीडियो देख लो, ठीक है। और आज भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल तरीके से वीडियो बताने वाला हूं, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर तक स्क्रॉल करूंगा, यहां पर आपको एक दिन पहले एक और अपडेट आया है, यहां पर दिया दोस्तों प्लीज कंप्लीटेड द लॉकअप ऑफ सीबीडीसी असिस्ट फर्स्ट एंड रिलीज 10% ऑफ द अमाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल बी रिलीज द न्यूज ऑफ केवाईसी ओपनिंग मई 31। यानी मोटी मोटा भाषा में बात करूं दोस्तों, जैसे ही 31 मई के बाद आप अपने टोकन को लॉकअप में डाल दोगे उसके बाद फर्स्ट आपकी केवाईसी आएगी। केवाईसी आने के बाद दोस्तों हर महीने 10% टोकन आपका विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बात को भैया ध्यान से समझ लो, कैसे विड्रॉल होगा उसका चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाने वाला हूं यहां पर, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर तक स्क्रॉल करूंगा दोस्तों, यहां पर एक सबसे बड़ा अपडेट आया, वो क्या है एक दिन पहले वो भी देख लो। सीबीडीसी कम्युनिटी लॉकअप ओपनिंग टाइम 27 मई टू मई 31। यानी मोटी मोटा भाषा में बात करूं दोस्तों, जो सीबीडीसी फ्री माइनिंग का जो कम्युनिटी है वो लॉकअप कब से स्टार्ट है, 27 मई से भैया स्टार्ट है, 31 मई तक लास्ट रहेगा। इसके बीच में जिन जिन लोगों ने अपने टोकन को लॉक कर लेगा दोस्तों, जो जो बंदा अपने टोकन को लॉकअप में डाल लेगा उनका टोकन आराम से विड्रॉल होगा। कैसे आपको लॉकअप में डालना इस वीडियो में आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा। और जो लोग भैया 31 मई से पहले पहले अपने टोकन को लॉकअप में नहीं डालेंगे उनका सीबीडीसी नेटवर्क का जितना भी टोकन है भैया सारा का सारा खत्म हो जाएगा, यानी बर्बाद होने वाला है, ठीक है। तो मेरी बात नोट कर लो भैया, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, कोई देखो या ना देखो इस वीडियो को तुरंत जाके आप देखो, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है। और दूसरी इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं दोस्तों, जैसे 31 मई से पहले पहले, ठीक है, यानी 31 मई से पहले पहले दोस्तों आप लोग यहां पर अपना लॉकअप में डाल लोगे टोकन तो उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, केवाईसी 31 मई के बाद केवाईसी आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे केवाईसी होगी फिर उसके बाद दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली टोकन विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा उसके बारे में भी आप लोगों के बीच में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। और वन टोकन की क्या प्राइस होने वाली उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे भैया आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करके आराम से जाकर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी बात को ध्यान से समझो, जैसे दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे ना वहां पर आपको सीबीडीसी फ्री माइनिंग एप्लीकेशन का एक छोटा सा आपको लोगो वगैरह देखने को मिलेगा, यानी वहां पर अपडेट करने का जो डाउनलोड करने का वर्जन न्यू वर्जन है दोस्तों ऑलरेडी हमने वहां पर दे दिया दोस्तों, तो उस पर क्लिक करके आप लोग अपने सीबीडीसी फ्री माइनिंग एप्लीकेशन को भैया अपग्रेड कर सकते हो, यानी उसको डाउनलोड कर सकते हो फिर न्यू वाला वर्जन, ठीक ना। बात को समझो, अपडेट नहीं किया तुरंत जाके अपडेट कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तभी वो वाला आपको सिस्टम मिलेगा, तभी जाके आराम से आप लोग अपग्रेड वगैरह कर पाओगे, ठीक ना। पहली बात तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सेकंड बात, इस वीडियो में आपको बता दूं कैसे आपको अपडेट करना, अगर उसको बारे में नहीं पता तो कल की डेट में वीडियो बनाया है इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट वीडियो जाकर उसको देख लो, ठीक है। कैसे अपग्रेड करना सबको डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर टोकन को कैसे आपको सबसे पहले जब अपग्रेड करेंगे ना इसके ऊपर लोगो वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे ना तो यहां पर आपको केवाईसी का ऑप्शन होगा दोस्तों, यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन अभी अगर आप केवाईसी सबमिट करेंगे तो भैया आपकी केवाईसी बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने टोकन को लॉकअप में डालना पड़ेगा। लॉकअप में डालेंगे तो कितना कितना परसेंट आपका विड्रॉल होगा वो देख लो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले नीचे अगर आप चले जाएंगे एक सोसाइटी का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, कुछ नहीं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ना ऊपर तक स्क्रॉल करेंगे यहां पर एक मिल जाएगा दोस्तों सीबीडीसी नेटवर्क
इंग्लिश यहां पर देखने को मिल रहा है ना, यहां लॉकअप का ऑप्शन होगा दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक ना। तो अभी देखो मेरा इस तरीके से नीला में नहीं दिखा रहा है, अगर इस तरीके से दिखाएगा तो ऑलरेडी मेरा अभी शो नहीं हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जैसे सीबीडीसी नेटवर्क वर्ल्ड वाइड, ठीक ना। इनमें से कोई भी मैंने इसके ऊपर टच किया, इसके ऊपर टच करके आराम से मैंने अपने टोकन को लॉकअप में डाल लिया, ठीक ना। तो चलो दोस्तों कुछ नहीं, इसके ऊपर मैं टच कर लेता हूं, आप इंग्लिश वाले भी ज्यादा प्रयास करिएगा करने का, ठीक है। अगर नहीं होता तब इस पर करिएगा। तो यहां पर आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगा, यहां पर देखने को मिल जाएगा सीबीडीसी नेटवर्क वर्ल्ड वाइड, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा लॉकअप रिलीज साइकिल चार्ट, यहां पर लॉकअप रिलीज साइकिल चार्ट है। और कितना दोस्तों, जैसे यहां पर आप अपने टोकन को लॉकअप में लगाओगे ना, तो हर महीने से टी प्लस वन में आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 10%। 30 दिन बाद कितना मिलेगा दोस्तों, 10%। फिर 60 डेज बाद कितना मिलेगा दोस्तों, 10%। फिर 90 डेज बाद कितना मिलेगा दोस्तों, 10%। फिर उसके बाद 120 दिन बाद कितना मिलेगा दोस्तों, 15%। फिर 150 दिन बाद कितना मिलेगा, 20%। फिर उसके बाद दोस्तों 180 दिन बाद कितना मिलेगा, 25%, ठीक ना। अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान से देखो भैया, यहां पर अगर माइनिंग वाले सेक्शन पे आप चले जाएंगे ना, तो यहां पर टोटल का टोटल आपका जितना भी माइनिंग भैया स्टॉप हो चुका है, यानी अभी माइनिंग यहां पर नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि यहां पर माइनिंग स्टार्ट हो चुका है, आपका टोकन विड्रॉल होने जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जितना भी टोकन आपको शो करेगा अभी करेंट टाइम में, जिनका नहीं है, ठीक ना, जितना भी टोकन शो करेगा, सोसाइटी वाले सेक्शन में जाएंगे ना, यहां पर जो ऑल का ऑप्शन दे रहा है भैया ने, इसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जितना भी टोकन रहेगा सब यहां पर आ जाएगा। फिर यहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, स्टार्ट लॉकअप, कुछ नहीं, इसके ऊपर आपको धीरे से क्लिक कर देना है। जैसे मेरे भाई इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जितना भी टोकन आपका रहेगा वैलेट में आ जाएगा। नीचे आपको एक वैलेट का ऑप्शन होगा, यहां पर देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कुछ नहीं, यहां पर आएंगे ना तो भाई यहां पर जितना भी आपका टोकन रहेगा सबका सारा का सारा टोकन शो कर देगा, ठीक ना। तो इतना भैया आपको सबसे पहले लॉकअप में ला लेना, डाल देना है, ठीक ना। यानी अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉकअप वाले सेक्शन में अपने सीबीडीसी फ्री माइनिंग एप्लीकेशन जितना भी टोकन है दोस्तों, सारा का सारा लॉकअप में आपको डाल लेना है। अगर आप नहीं डालते हो तो नोट कर लो भैया, एक भी टोकन आप विड्रॉल बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सोसाइटी वाले सेक्शन में रहेगा तो आप एक भी टोकन विड्रॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको वैलेट वाले सेक्शन में ले लेना भैया, लॉकअप वाले में। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 2218 टोकन ऑलरेडी मैंने लॉकअप में ले लिया है। अब यहां ऊपर आपको रिसिप्ट का एक ट्रांसफर का ऑप्शन होगा दोस्तों, सबसे पहले रिसिप्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मेन नेटवर्क टाइप, यहां पर भैया आपको नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा। इसको कॉपी करके केवाईसी कंप्लीट करोगे कैसे, उसके बारे में भी आपको बता देने वाला हूं, लेकिन अभी बर वक्त में केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही, यहां पर केवाईसी बिल्कुल भी आपकी होने वाली नहीं है। केवाईसी कब होगी दोस्तों, 31 मई के बाद ही होगा, जितना जब ही सभी लोगों का टोकन लॉकअप में चले जाएगा और 10% टोकन रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगा, तभी आपका भैया केवाईसी यहां पर कंप्लीट होगा, ठीक ना। ये होने वाला है 31 मई के बाद ही, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आपको मिल जाएगा ANC1, ठीक है, ये नेटवर्क है दोस्तों। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो नीचे आपको बहुत सारे नेटवर्क देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कौन कौन सा नेटवर्क है, पहला तो ANC, इसको ही पहले स्टार्ट किए। सेकंड आपको एथेरियम मिल जाएगा। थर्ड अगर आप देखेंगे ट्रोन TRC20 है। फोर्थ अगर आप देखेंगे HECO HRC20 है। बहुत सारा नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों, इनमें से एक ही नेटवर्क इन्होंने चालू किया है, वो कौन सा नेटवर्क है दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एड्रेस, ठीक ना। कुछ नहीं, इसको आपको कॉपी कर